Hi. So today we'll discuss about the very interesting and important flower that is Amorphopholis titanium. अब ये जो फ्लावर है दैट इज रेयर कॉप्स फ्लावर, ये देखने में तो बहुत एक हॉरर सा हेलोइन लुक दे रहा है। और ये फ्लावर कुछ इस तरह से है कि इसका जो ब्लूमिंग है ये 10 साल में या फिर हम कह सकते हैं 5 to 7 ईयर्स में एक बार होता है। तो वही हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली ये फ्लावर जो है ये ब्लूम हुआ है, तो वही इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ये ग्रो करता है, किस तरह से ये ग्रो करता है और किस तरह से इसका जो है इसको हम कॉप्स फ्लावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक फाउल स्मेल क्रिएट करता है। सो लेट्स बिगन अवर डिस्कशन। सो सबसे पहले तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चला है काफ़ी, ये देखा गया है कि दो जगह पे ये फ्लावर जो है वो ब्लूम किया है और यहाँ पर उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो गैदर हो रहे हैं। और ये जो फ्लावर है, एक तो ये हुआ है यहाँ पर ईस्ट बे गैस स्टेशन में, दोनों ही यूएस में है ये जगह, एक ईस्ट बे गैस स्टेशन है एंड द अदर इज फिलाडेल्फिया स्टेम्पल यूनिवर्सिटी। सो ये कुछ न्यूज में आर्टिकल्स हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं। और इस प्लांट की बात करें, जिस तरह हर प्लांट की एक क्लासिफिकेशन रहती है, उसी तरीके से ये जो प्लांट है दैट इज बिलोंग टू किंगडम प्लांट है। प्लांट है तो ऑब्वियसली प्लांट किंगडम का होगा। देन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, तो हम इसके बारे में यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसका जो ब्लूम है वो अभी शुरू हुआ है, मतलब ये 5 6 7 साल के बाद ही एक बार ब्लूम करता है। तो फ्लावरिंग प्लांट है, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और इसी तरह से इसकी ये फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। अब इस फ्लावर की क्या खास बात है, दैट इसकी जो है, इस फ्लावर की जो है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस है। लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है कि फ्लावर्स का अरेंज होना एक एक्सिस पे। सपोज ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और इस पे ये फ्लावर्स का जो है अरेंजमेंट है, इस चीज को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और इस प्लांट में पर्टिकुलर अमॉर्फोफोलस टाइटेनियम प्लांट में ये जो इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस जो है सबसे बड़ी होती है, दैट इज द लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस इन द वर्ल्ड। सो आगे चलेंगे। सो अब कौन सी दो जगह है जहां पर ये प्रोमिनेंटली अभी ब्लूमिंग में चल रहा है, दैट इज द वन इज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जो ये भी यूएस में है, एंड द अदर इज फिलाडेल्फिया टेम्पल यूनिवर्सिटी। सो इन दो जगह पे ये जो फ्लावर है फिलहाल ब्लूमिंग में है और बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए गैदर हो रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें, सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स में से एक है। आप लोगों ने रेफ्लेशिया के बारे में सुना होगा, द वन फ्लावर इज रेफ्लेशिया, ये एक सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है और ये भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स में ही इसको हम काउंट करते हैं इन द वर्ल्ड। और इसके ब्लूमिंग की अगर बात करें तो दैट इज द अल्ट्रा रेयर प्लांट, और इसका जो ब्लूमिंग है दैट इज वंस एवरी 7 to 10 ईयर्स में ये एक बार ही ब्लूम करता है। और अगर इसके नेटिव की बात करें कि कहाँ से इस प्लांट का ओरिजिन है, तो दैट इज इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में कहाँ पर, इंडोनेशिया में रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा। सो ये इसका जो है वो नेटिव ओरिजिन है इस प्लांट का। और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स इसके सीड्स को लेके अपने अपने एरियाज में ग्रो करते हैं और वेट करते हैं कि कब ये फ्लावर जो है वो ब्लूमिंग में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक रेयर सा इवेंट है इसका ब्लूमिंग में आना। देन ये मैंने डिस्कस किया कि इसका जो है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है। और इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन्फ्लोरेसेंस का क्या होता है कि एक एक्सिस होती है, एक एक्सिस के ऊपर किस तरह से जो है वो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। अब ये इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकता है, इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकता है और इस तरीके से ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है, मतलब यहीं पे फ्लावर जो है वो ग्रो हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर केस में अनब्रांच्ड ही हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये जो स्टॉक होती है सेंट्रल स्टॉक, दिस इज नोन एज पेडंकल, और इसके साइड पे जो है वो फ्लावर्स होते हैं। और ये जो स्मेल है ये अराउंड इन एवरी 10 ईयर्स में ये जो है स्मेल इमिट करता है जब ये ब्लूम अपने ब्लूमिंग पीरियड में आता है। अब ये जो इस फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें एक ये तो ये सेंट्रल पार्ट रहता है दैट इज नोन एज स्पेडिक्स। ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्पेडिक्स बोलते हैं, और ये जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग स्पैथ बोलते हैं। स्पैथ मीन्स एक कवरिंग की तरह हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो स्पेडिक्स है इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है वो फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो जनरेट होती है, और स्पैथ जो होता है ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये पूरे आउटर साइड से इसको पूरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर जो हम फाउल स्मेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो फाउल स्मेल होती क्या है, तो दैट इज दो कॉम्पोनेंट है, द वन इज डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड एंड द अदर इज डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो जनरली इन्वॉल्व होते हैं इसमें
स्मेलिंग के लिए। और इसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स भी इसमें देखे गए हैं, दैट इज मिथाइल थायोला एसिटेट एंड ट्राई मिथाइलामीन एंड आइसो वेलेरिक एसिड। सो ये कंपाउंड हैं जो इसमें स्मेल क्रिएट करते हैं और बहुत ही एक फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं। देन अब किसी भी प्लांट में, जैसे हम नॉर्मली प्लांट में देखते हैं कि यहाँ पर अगर सपोज ये लैंड है, ये अगर ग्राउंड लेवल है तो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर स्टेम होगा, देन लीव्स होंगे, देन फ्लावर्स होंगे और यहाँ पर नीचे हमारा रूट्स होगा। अब इसी तरह से इस प्लांट के केस में हमारा जो अंडरग्राउंड पोर्शन में रहता है दैट इज नोन एज, उसको हम लोग कॉम बोलते हैं। और कॉम क्या होता है, एक फ्लेशी सा टिश्यू होता है जिसमें जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। ये जो कॉम है इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर बाद में फर्दर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इस ये जो कॉम है इसका वेट जो होता है अराउंड 100 kg के अराउंड जो है वो इसका वेट देखा जाता है। देन हम इसके अगर सीड की बात करें, सो ये इसकी सीड की पिक्चर है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं जिसमें से एक टाइप होती है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। अब रिकैल्सिट्रेंट सीड्स का क्या मतलब है, जनरली जो हम सीड्स होते हैं या तो हम उनको ड्राई करते हैं और स्टोर कर देते हैं, या फिर हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके स्टोर कर देते हैं, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम उनको स्टोर कर देते हैं। बट ये सीड इसके जो सीड्स हैं ये इतने वल्नरेबल होते हैं कि ये जो है इन कंडीशंस पे सरवाइव नहीं कर पाते। सो इसलिए दैट्स व्हाई सीड्स ऑफ दिस प्लांट इज नोन एज रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, बिकॉज दे आर नॉट इजी टू स्टोर, आइदर ड्राइंग से भी नहीं हो पाते एंड फ्रीजिंग से भी ये इजीली स्टोर नहीं हो पाते। सो दैट इज अबाउट ये सीड्स के बारे में। सो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें हमने देखा कि दो डिफरेंट प्लेसेस पे ये बहुत ही रेयर प्लांट है, जो इस प्लांट ये प्लांट जो है वो ब्लूमिंग पीरियड में अभी चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए गैदर हो रहे हैं। द वन इज द फिलाडेल्फिया सैंपल यूनिवर्सिटी एंड द अदर इज द गैस स्टेशन एंड बोथ द प्लेसेस आर इन US इटसेल्फ। सो दिस इज द टुडेज डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।